नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल आर्टिकल का हिंदी में अर्थ उपपद होता है। किसी शब्द या किसी पद के पूर्व में इनकी उपस्थिति होने के कारण इन्हें उपपद कहा जाता है। इट इज यूज्ड रेफर टू पार्टिकुलर पर्सन। पहले साथ थिंग थिंग गलत हो गया भाई, THING। एंड यूनिक थिंग, इसका हिंदी में मतलब हुआ आर्टिकल का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु और अद्वितीय वस्तु की तरफ इशारा करना है। दूसरे शब्दों में इसको देखते हैं। एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सच ए वर्ड विच डिसाइड टू सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन ए सेंटेंस इज ए टर्म ए एंड। आर्टिकल ऐसा शब्द जो किसी सेंटेंस में शब्द के पहले आकर निश्चितता अथवा अनिश्चितता का बोध कराता है, वह पद ए एन द है। जैसे द सन, द मून, द गीता, द ताजमहल, द गंगा, इटीसी है। आर्टिकल के प्रकार, आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। होते की जगह भाई हिट लिखा गया है। पहला ए, दूसरा एन, तीसरा द, जिसमें द डेफिनेट आर्टिकल और ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत ए एन आता है। ए आर्टिकल, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ काउंटेबल नाउन। जब किसी शब्द का पहला ध्वनि हिंदी अक्षर में क से ज्ञ के बीच आता, अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड आए, तो ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए बुक, ए यूनियन, ए यूरोपियन, इटीसी। एन का प्रयोग, आर्टिकल एन इज द बिफोर वॉवेल साउंड ऑफ काउंटेबल नाउन। जब किसी शब्द के उच्चारण में उसकी पहली ध्वनि हिंदी में अ से अह के बीच, अर्थात वावेल साउंड आए, तो एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन एप्पल, एन एमपी, एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एन एमएलए, एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। इत्यादि उदाहरण है। यूज ऑफ द का प्रयोग, वेन वी स्पीक ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन आर थिंग, मेंट नहीं रहेगा भाई, गलत तो से आ गया, मेंट मेंटेन आर वन विल नोन टू अस। इसका मतलब हुआ, जब हम किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु के पहले दिए हुए को दोबारा अंकित करते हैं, तो वहां द का प्रयोग करते हैं। जैसे अ गर्ल इंटर द हाउस, जब एक लड़की घर में प्रवेश करी। इन द हाउस लिव्ड ए मैन, तो वह घर में एक आदमी रहता था, हु लव्ड द गर्ल, जो लड़की से प्रेम करता था। इसमें गर्ल के पहले द आया है। वेन ए सिंगुलर नाउन आर एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज मीन टू रिप्रेजेंट होल क्लास। जब सिंगुलर नाउन अथवा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी समूह को संबोधित करे, तो वहां द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रिच मैन शुड बी काइंड, प्रत्येक धनी आदमी को दयालु होना चाहिए। इसमें सभी धनी आदमियों को संबोधित कर रहा है, रिच एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होकर भी। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करना चाहिए। गरीब यहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जो कि एक समूह को संबोधित करता है, इसलिए यहाँ द प्रयोग हुआ है। तीसरा रूल है, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के पहले सी, समुद्रों के पहले नाम को पहले ओशीन, महासागरों के नाम के पहले। माउंटेन्स, पर्वतों के नाम के पहले रेंज, खाई,
खाड़ियों के नाम से पहले ग्रुप ऑफ आइसलैंड, द्वीपों के समूह के पहले गल्फ, खाड़ियों के पहले कैनल्स, डेजर्ट रेगिस्तान, हवाओं सीजन के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द गंगा, द हिमालय, द विंटर, द वेस्ट इंडीज, पश्चिमी हवाएं। क्वेश्चन, पॉइंट आउट ऑफ द आर्टिकल यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका मतलब इस पैराग्राफ में कितने आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखते हैं, लॉन्ग लॉन्ग एगो, देयर वाज ए किंग, एक आर्टिकल यहाँ हो गया, ही हैड थ्री सन, द फर्स्ट, एक आर्टिकल यहाँ, द फर्स्ट सन वेंट टू द फॉरेस्ट, एक आर्टिकल यहाँ, वेयर हु वाज स्टेट, ही वाज एन हॉनेस्ट पर्सन एंड गेव जेन्यून रीजन फॉर हिज लेट। तो इसमें एक आर्टिकल ए और एक आर्टिकल ए द और दूसरा आर्टिकल द, इसमें चार आर्टिकल पाए गए, ए द एक द ए एन, इसमें चार आर्टिकल पाए गए। इसे 2016 में पूछा गया था। राइट द काइंड ऑफ आर्टिकल एंड गिव एट लीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर इच। तो इसका मतलब आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं और एक एक उदाहरण दीजिए। तो आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, पहला ए, दूसरा एन, तीसरा द। इसका उदाहरण, ए फॉर एप्पल, ए एप्पल, एन ऑरेंज, द ताजमहल। चूज द करेक्ट आर्टिकल्स, ये 2017 में पूछा गया था। ही बिकेम स्पेस था ग्रेट मैन। तो इसमें ग्रेट के में ए आएगा। एक क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स, इसमें बीच डिसाइड टू स्टे एट द होटल इन द टाउन, इसमें द रहेगा। तो बस यहीं तक आज आर्टिकल में, और कुछ डीएलएड के अनुसार कुछ छूटा तो नहीं है, बस एग्जाम्पल कम हुए हैं। धन्यवाद।